Press the subscribe button and hit the bell icon for more Bollywood updates. ठग्स ऑफ हिंदुस्तान 2018 की सबसे बड़ी फिल्म है। 300 करोड़ से भी ज़्यादा की लागत में बनी इस फिल्म की एक एक खास बात है, लेकिन आज हम आपको बताने जाएंगे इस फिल्म की पांच खास बातों के बारे में। तो वहीं शुरू करते हैं पहली खास बात से। आमिर खान से पहले ऋतिक को ऑफ़र हुई थी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। जी हाँ, आज की तारीख में ऋतिक शायद इस फिल्म का नाक करते हुए पछता रहे होंगे। आमिर से पहले ऋतिक और दीपिका को ऑफ़र हुई थी। दोनों ने इस फिल्म को शेड्यूल की वजह से मना कर दिया था। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को लेकर बॉलीवुड में जिस तरह की खबर मिल रही है वो अमेजिंग है। लोग कह रहे हैं कि ये फिल्म 1000 करोड़ का कारोबार कहीं नहीं छोड़ने वाली, इतनी कमाई का हिस्सा बनते हुए ऋतिक इस बात को लेकर अफसोस भी जता रहे होंगे। अमिताभ बच्चन को भारी भरकम ड्रेस पहननी पड़ती थी, इस फिल्म की दूसरी खास बात है। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान से सबसे भारी भरकम कॉस्ट्यूम अगर किसी को पहननी पड़ती है तो वो है अमिताभ बच्चन। समुद्री डाकू के किरदार निभाने वाले अमिताभ बच्चन को एक बहुत ही भारी भरकम ड्रेस पहननी पड़ती थी। अमिताभ अपने कंधे पर एल्यूमिनियम से बने कॉस्ट्यूम पहनते थे और वो एक साथ दो दो तलवारें भी रखते थे। बताया जा रहा है कि बच्चन की कॉस्ट्यूम तकरीबन 17 किलो का वज़न लेके चलती थी। तो वहीं तीसरी और ख़ास बात की इस फिल्म के बारे में बात करें तो ये फिल्म 3D के अंदर लॉन्च की जाने वाली है। वैसे तो हॉलीवुड में और बॉलीवुड में 3D की फिल्म बन चुकी है, लेकिन कमाल की बात यह है कि आमिर ने अभी तक किसी 3D फिल्म में काम नहीं किया। ये आमिर के करियर की पहली 3D फिल्म होने वाली है। वहीं चौथी खास बात की बात करें तो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के लिए आदित्य चोपड़ा ने खोल दी है दूसरी कंपनी। जी हाँ दोस्तों, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का बजट इतना बड़ा था कि इसे बनाने के लिए आदित्य चोपड़ा ने दूसरी एक कंपनी खोलनी पड़ गई थी। आदित्य ने वाया SX नाम से कंपनी शुरू की, जिसमें इस फिल्म के लिए स्पेशल इफ़ेक्ट्स तैयार किए गए। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के सारे इफ़ेक्ट्स भारत के ही आदित्य चोपड़ा के स्टूडियो में फिल्माए गए हैं। इसी फिल्म के स्पेशल इफ़ेक्ट्स के तहत बहुत कंपनियां बुलाई जा चुकी थी। भारत से ज़्यादा चीन में है इस फिल्म से उम्मीद। जी हाँ दोस्तों, आमिर खान की पॉपुलैरिटी चीन में देखते हुए फिल्म के मेकर्स ने डिसाइड किया है कि इस फिल्म को इंडिया के साथ साथ चीन में एक ही दिन रिलीज़ कर दिया जाएगा, जिससे इस फिल्म का कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है और वहीं दूसरी ओर सारे दर्शकों को एक साथ एक ही दिन ये फिल्म देखने को मिल सकती है और चीन से बहुत ज़्यादा सुर्खियां भी बटोर चुकी है ये फिल्म। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी की ऐसी और खबर जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड जंक्शन, ताकि आपको और खबर मिले यहाँ पर सबसे पहले।